हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब आप लोग बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो चलिए, आज मॉर्निंग के 5 बजे से हम वीडियो शुरू किए हैं, तो 13 दिनों के बाद आज मेरी वीडियो मॉर्निंग से स्टार्ट हुई है, क्योंकि 13 दिनों से मेरे यहाँ पूजा पाठ बंद था। तो आज मेरे यहाँ पूजा पाठ शुरू होगी, मतलब नवरात्रे के लास्ट के 2 दिन की पूजा। मतलब कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, बस वही चलेगा। तो यहाँ पे तो आज मैं सुबह उठने से लेकर अपने घर के मंदिर में पूजा, पंडाल में पूजा, गांव के देवी मंदिर में माथा टेकना और पूजा करना की दिनचर्या सभी दोस्तों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। कुछ चीज़ें जो होती है ना कि हमारे वश में नहीं होती, हम नहीं उसे कंट्रोल कर सकते, वो हमें कंट्रोल करने से ज़्यादा ऊपर होती है, यही है ना। क्योंकि और जो चीज़ें, कुछ चीज़ें जो होती हैं जो कि हमारे मन में, हमारे वश में होती है, उससे तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं। जैसे कि हमारा तन, मन, भावनाएं, विचार, इन सब में बड़ी गहरी दोस्ती होती है। इनमें से अगर एक में ही गड़बड़ाए तो दूसरी को पटरी से उतरते देर नहीं लगती। सबसे बड़ी बात होती है ना कि इन सब में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर इन सब में हम संतुलन ना बना के रखें तो फिर हमारा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर चलिए, उन सब में संतुलन बनाए के रखते हुए अपने कामों को कैसे करते हैं, और सभी तभी हमारी शक्ति का असल जीत होता है। और ये सब करना हम महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा मेरा सारा हो गया था, ऊपर का भी और नीचे का भी। ऊपर का तो हम आप लोग को के साथ नहीं दिखाएं, क्योंकि ऊपर झाड़ू पोछा करने के बाद ही हम वो मेन गेट खोलते हैं, नीचे जाते हैं। आप लोग समझ ही सकते हो क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार वीडियो में शेयर किया है कि क्यों मैं नीचे का गेट ऊपर का झाड़ू पोछा के बाद खोलती हूँ। और स्नान करने के पहले का सबसे लास्ट काम यही होता है, कबूतरों को दाना डालना। और मेरा आज बाल धो के स्नान होगा, मतलब क्योंकि बाल धोने के कारण है ना कि आज मेरा पूजा पाठ शुरू होगा। तो 13 दिन के बाद जब पूजा करते हैं तो नाखून भी काटते हैं और बाल भी धोते हैं, उसके बाद ही पूजा शुरू होती है हमारी। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ क्या लगभग जितने भी सनातनी हैं सबके यहाँ ऐसे ही होता होगा। और यहाँ पे निम्मी सोई थी तो इसको भी हम सोचे कि इसको भी जगा ही देते हैं, क्योंकि उठ जाए तो इसका भी स्नान हो जाएगा टाइम से पहले। जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि घर में भी पूजा और बाहर भी जाना है आज पूजा करने। तो चलिए, अब पहले सबसे पहले घर की पूजा कर लेते हैं। तो घर में पूजा करने से पहले आज मुझे बहुत ज़्यादा गहरी सफाई करनी होगी अपने घर की मंदिर को, क्योंकि 13 दिनों से यहाँ आना जाना नहीं था। और जहाँ आना जाना नहीं रहता वहाँ तो थोड़ा सा गंदगी बढ़ ही जाती है, फैल ही जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ सारा कुछ हटाए, क्योंकि जैसे था वैसे ही छूटा हुआ था सारा, मतलब छूतक होने के पहले जो पूजा हुआ था वो सब वैसे ही था, उसको फिर छुआ नहीं जाता है, तो बस वैसे ही पड़ा था। तो आज हम अच्छे से इसको डीप क्लीनिंग करेंगे। नीचे फर्श की सफाई की है, ऊपर नहीं। ऊपर की सफाई मतलब कपड़ा भिंगा के गीला कपड़ा से अच्छे से पोंछ दिए, और कुछ नहीं ज़्यादा कर पाए, क्योंकि और कुछ ज़्यादा करने से पहले ये हो जाता ना कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, मतलब कम से कम तो 10-11 बज ही जाता। तो उतना लेट तो कर नहीं सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना हम कर लिए थे। सारी साफ सफाई करने के बाद अब जाएंगे छत पे तुलसी जी का और सूर्य नारायण जी का पूजा करने। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा गुलाब खिला हुआ था, बहुत दिनों के बाद आए थे छत पे पूजा करने। तो सुबह सुबह की पूजा जो होती है छत पे जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब ताज़ा ताज़ा फूलों की दर्शन होती है, फूल खिले देखते हैं तो मन बड़ा खुश होता है। लेकिन ये बहुत दिनों के बाद मेरे साथ हो रहा था ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था आज मुझे। तो फ्रेंड्स, वीडियो ये थोड़ा लेट ही है हो गया है, क्योंकि लेट होने के कारण है ना कि यहाँ बहुत ज़्यादा गाना बजाना हो रहा था, नवरात्रे के चल रहे थे, तो हम वीडियो बना नहीं पा रहे थे, बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए थोड़ा। तो बस यहाँ पे हो गई थी ऊपर की पूजा, मतलब तुलसी जी की पूजा हो गई थी, अब यहाँ ठाकुर जी की पूजा हो रही है। और आज मैंने माता रानी की चुन्नी बदली है, इनका माला उतारा है और फूलों की माला अपने हाथों से बना के इनको पहनाया है। बहुत शौक़ था कि नवरात्रि में फूलों की माला पहनाएं इनको बना के अपने हाथों से, लेकिन कहते हैं ना कि अगर मन में
अंदर से अगर हम कुछ अच्छा सोच लेते हैं तो उसे पूरा करने की जिम्मेवारी माता रानी की हो जाती है। और देखिए आज पूरा अंत ही हो सही लेकिन पूरा हुआ ज़रूर। तो आज मैंने कर लिया अपने घर में पूजा और उसके बाद अब चल दिए थे। सबसे पहले से तैयार होंगे, जल्दी जल्दी फटाफट से साड़ी पहनेंगे क्योंकि आज जाना है गांव, तो गांव सूट पहन के जा नहीं सकते। आप लोग समझ ही सकते हो कि गांव सूट पहन के नहीं जा सकते, लेकिन तो इसीलिए साड़ी ही पहनेंगे। और मैंने ये वाली साड़ी निकाली थी क्योंकि दुर्गा पूजा का जो साड़ी मैंने खरीदा उसका तो कुछ नहीं हो पाया, ना तो फॉल्स लग पाया और ना ही ब्लाउज सिलाया। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब आप लोग बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। तो आज मेरा हो गया, आज मेरा फर्स्ट पूजा है नवरात्रा का, मतलब कह लीजिए दशहरा का फर्स्ट पूजा। तो अंत भला तो सब भला, ये कहावत है ना, तो अंत में तो हो गया पूजा पाठ। अब चलिए, और आज घर में तो पूजा कर लिए और अब कहाँ कहाँ पूजा करने जाएंगे, तैयार अभी आधा हुए हैं आधा नहीं हुए हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे आप लोग के साथ सब शेयर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, और इससे पहले कि जो नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से तैयार होते हैं, थोड़ा सा लेट हो ही गया है। घर में पूजा करने के बाद अब चलते हैं, चलिए दुर्गा जी के पंडाल में पूजा करने। तो आज इस साल के नवरात्रे में, इस साल के दशहरे में पहली बार पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं पूजा करने। और यहाँ का जो दुर्गा जी का पंडाल था, यहाँ बहुत ही नज़दीक है, मेरे घर से नज़दीक है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से बहुत नज़दीक है, मतलब 3-4 कदम पे ही है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे प्रसाद लेंगे, नारियल फोड़ना ज़रूरी होता है। दुर्गा जी के मंदिर में आओ और नारियल ना फोड़ो, ये हो ही नहीं सकता। तो फिर यहाँ सबसे पहले प्रसाद लिए थे, प्रसाद में तो सबसे प्रिय दुर्गा जी का होता है नारियल और बताशा, तो वो हम खरीद लिए थे। और यहाँ की सजावट देखिए बहुत ही खूबसूरत, फूलों सिर्फ ओरिजिनल फूल जो होता है गेंदे के फूलों से माला बना के सजाया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत। सारे लोग पूजा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत भीड़ थी। आसपास के जो लोग होते हैं वो यहीं आते हैं पूजा करने। तो पूजा पाठ यहाँ हो गई थी, अब यहाँ से चलते हैं, कहाँ चलते हैं आप लोग देखना। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक ही करना भूल जाते हो, लाइक आप लोग कर दीजिएगा, वो बिल्कुल फ्री है। और यहाँ से आने के बाद दुर्गा पंडाल में पूजा करने के बाद अब हम लोग जा रहे थे गांव, गांव के जो देवी जी की मंदिर है वहाँ हम लोग आज माथा टेकेंगे। नवमी के दिन लगभग सारे लोग गांव के जाते हैं, वहाँ ज़रूर माथा टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा तो नहीं कर पाते लेकिन प्रणाम ज़रूर करते हैं। और जिनका मन्नत रहता है वो कुछ विशेष यहाँ हो जाता है उनका, कि यहाँ बलि पड़ता है, तो बलि में देखिए यही सब का बलि पड़ता है, जिसका गछा हुआ रहता है वो देते हैं, जिसका नहीं गछा हुआ रहता उनका नहीं देते हैं। तो बस यहाँ प्रणाम कर लिए थे, यहाँ से प्रणाम करने के बाद अब यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से निकल गए थे और यहाँ पे देखिए, मतलब ये देवी जी का जो मंदिर है ना, गांव से थोड़ा सा हट के है, मतलब बहुत बड़ा स्पेस है, देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को चारों तरफ जंगल ही जंगल, मतलब थोड़ा बड़ा पेड़ पौधा। और यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर जो नया बना था, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, 50% हो गया था, 50% अभी इसमें काम बाकी है। तो यहाँ पे, और उसके बाद हमारी गाड़ी रुक गई थी यहाँ गेट के पास, और यहाँ ई गेट मतलब ये गेट कौन सा गेट है ये आप लोग को दिखाते हैं। अंदर जाने के बाद ये है हमारी ससुराल, निमी के दादा दादी यहीं रहते हैं। और यहाँ मिला था सबको नाश्ता करने के लिए, तो फटाफट खड़े खड़े नाश्ता कर रहे थे, वैसे खड़े होकर नहीं खाना चाहिए लेकिन खा रहे थे आज, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी था और ज़िद था तो खा लिए थोड़ा सा। उसके बाद अब यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हम घर में कुछ बनाए नहीं थे, वहाँ कुछ भी नहीं बना था सुबह से, बस सिर्फ साफ सफाई। Thank you.
नापने के बाद अब सीधे सबसे पहले कपड़ा चेंज किए। कपड़ा चेंज करने के बाद यहाँ कुछ गेस्ट आए हुए थे, उनके लिए चाय नाश्ता तैयार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी के असली चेहरे कभी नहीं बदलते। ये पुरानी कहावत है ना, आप सबने सुनी होगी कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। सभी के अंदर राम और रावण दोनों है। अब मैं क्या कहना चाहती हूँ ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, और जो नहीं समझे होंगे वो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।